फैमिली के सिद्धांत संगीत का आदांत हमारे धर्म के संज्ञान है हमारे मंडल हिंदू का संज्ञान है बाबा जब बंटवाल चले गए तो वहाँ के श्रेष्ठियों ने और व्यापारियों ने बाबा का छल आरंभ किया। कभी कोई पानी उंडेलता तो कोई रेत उछालता। बाबा निर्विकार मन से कुछ दिन सहते रहे, लेकिन एक दिन बाबा ने कह दिया, अब नेत्रावती नदी ही तुम्हारे पापों को धुलवाएगी। आकाश में अचानक काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी और धुआंधार बारिश आई। नेत्रावती नदी में बाढ़ आई और उसके हजारों हाथों ने पूरा गांव धुला दिया। दुकानें, गोदाम, घर, बाग उध्वस्त हो गए। गाय भैंसों सहित सारे गांव वाले नदी से बचने घर बार छोड़कर जान बचाने गांव के पास वाली ऊंची सतह पर पहुंचे तो वहां एक झाड़ पर बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उन घमंडी श्रेष्ठियों समेत सारा गांव बाबा की शरण गया। सारे गांव वालों ने आर्त भावना से बाबा की क्षमा याचना की। तब बाबा ने आदेश दे दिया, कुंकुमार्चन करके नेत्रावती मैया की पूजा करो। पश्चाताप दग्ध लोगों ने नेत्रावती की पूजा करते ही बाढ़ नष्ट हो गई और वहां के ग्रामवासी बाबा के भक्त हो गए।